दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। आज इस डीएनए के वीडियो में आप घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र से श्री राजेंद्र गर्ग जी के बारे में लोगों के क्या विचार रहे, पिछले 5 सालों का कार्यकाल उनका कैसा रहा, उसके बारे में इस वीडियो में आप देखेंगे। घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र में ये पहली बार हुआ है कि किसी विधायक को हिमाचल सरकार में मंत्री का पद प्राप्त हुआ हो और जिसका भरपूर लाभ घुमारवीं विधानसभा क्षेत्र के सब लोगों को, गांव-गांव तक सबको इसका लाभ प्राप्त हुआ। जहां बड़ी बड़ी सड़कों का निर्माण हुआ, डिग्री कॉलेज खोला गया, मिनी सचिवालय खोला गया, भराड़ी उप तहसील को तहसील का दर्जा प्राप्त हुआ, ये लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। और यह कार्य जो है वो पिछले 5 सालों में किया गया। आज इस वीडियो में आप देखेंगे कि गाँव स्तर से लोगों के श्री राजेंद्र गर्ग जी के बारे में क्या विचार है, तो वीडियो में जुड़े रहें, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। तो जब पंचायत में कांग्रेस का पार्टी बैठी, उन्होंने मेरे को पहले यार से काटा, तो मुझे राशन से भी काट के दूर भगाया। कांग्रेस पार्टी यार बैठाए होती, मोदी ने बहुत सुखा किया, नहीं हम रोने योगी थे। कैसी हैं आप? ठीक है भाई। ठीक है, क्या नाम है आपका? सुनीता देवी जी। हम हालचाल लेने आए हैं आपके, चुनावी हालचाल, कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, काम वाम हुआ है कि नहीं आपके क्षेत्र में, तो आप कुछ बताएंगी हमें? बताइए। काम हमारा ठीक हुआ, पार्टी हमारी ठीक है। कौन सी पार्टी? जनता पार्टी। उसके यहाँ जनता पार्टी, भाजपा। हाँ, अच्छा जी। काम अच्छे हुए, कोई कमी नहीं रखी। कौन से काम आपको जो सब अच्छे लगे? सब, पेंशन भी, सब सारे काम। पेंशन मिलता आपको? हाँ जी। अच्छा, खाते भी आओ। अच्छा, 2000। अच्छा, मोदी किसान निधि? नहीं, हम हमारा माड़ा हाल था। अच्छा अच्छा, अब हमें सुखे। अच्छा, काम भी अच्छे हुए और सब अच्छा। तो ये जैसे पेंशन वेंशन में आपसे किसी ने कुछ पैसे वैसे तो नहीं खाए? नहीं। अच्छा, किसी ने नहीं खाए, सब फेयर काम हुआ है। हाँ। अच्छा, सड़कों के बारे में कुछ करी थी? सड़कों में बहुत अच्छी बन गई। हाँ। बुरा हाल था, नहीं था। अच्छा, क्या आप तो बहुत समय से देख रही होंगी चीजों को, पहले कैसा था? पहले बुरा हाल था। कैसा था, थोड़ा बैठ जाइए, बता दीजिए। हाँ। आराम से थोड़ा बातचीत कर लेते हैं। कैसी थी सड़कें पहले? पहले खड्डिया ने के ने बुरा हाल था भाई, हमारा तो हाल ही खराब था। अभी हम बहुत सूखे हुए। मान लीजिए कोई बीमार पड़ जाता था, किसी को इमरजेंसी आ जाती, कैसे जाते थे लोग? आने जाते थे, मर जाहे करे, चक्की ने नहीं पूजो देता, पुजवाई दे है नहीं करे मरा है। अभी तो बांझ सड़क में, वहां सड़के पूजी। हां, राजी राव, सुखे राव बेचारे। अब आराम हो गया? आराम, हम सुखे है। पानी वानी आता है? मतलब पानी भी, बिजली भी, कर कर जो पानी मिले, बिजलियां मिली, गैस सिलेंडर मिले, हमें बहुत सुखे हुए इस पार्टी से। पहले हम बहुत दुखी रहा है, हमें नहीं आता बिल। हम गरीब है, हम क्या करें, तिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो इन्होंने हमारा सुधार बहुत किया। बिल नहीं आता? अब नहीं आता। अच्छा, अब नहीं आता। अच्छा अच्छा। तो और बाकी जैसे, और आपके यहाँ पे वो सुविधाएं भी, जैसे पानी की सुविधाएं पहले कैसी थी? पहले कुछ ही आनी ही, पहले कैसे यहाँ के लोग पानी के लिए क्या करते थे? किती मिला हथेड़ा पानी, आनी मिलता बच्चा रंदे, तो आहे बड़े दुख कटे। पर अब राजी राव, इस पार्टी हमें बहुत सुखी किया, मोदी ने बहुत सुखी किया, उसका बार बार भला करे। और घर घर भी इसने भी हमारा बहुत किया, हमारा ही नहीं किया, दुनिया पब्लिक का। हम तो रात दिन यही आवाज देते हैं भाई, बच्चे सुखे राव। तो आपके हिसाब से भाजपा ही चाहिए? अच्छा, भाजपा ही चाहिए। मोदी ने बहुत सुखा किया, नहीं हम रोने योगी थे, हमने इस पार्टी से दुखी। हाँ, तो सब एक के बच्चे, सब बच्चे एक के ना, पर जो हमें सुखे किया उसको सुख है। हम तो ऐसे पटकते थे, पेंशन तो किया पर कुछ नहीं। जब ये आए बेचारे, तो हमें विधवा जो भी पेंशन लगी किया हुआ। ये पार्टी तो ऐसी है, अब पंचायत में बैठाए ना कांग्रेस के, ये हमारी पंचायत में मुझे आई अड से भी काट सकता,
एक मेरा क्या हा? बताओ क्या हा मेरा? बेटे होते हैं आप अपने गुजारे करने, बेटे भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं मेरे। तो जब पंचायत में कांग्रेस का पार्टी बैठी, उन्होंने मेरे को पहले याद से काटा, पर मेरे को हिम्मत नहीं है कहीं जाने की, चल नहीं सकती। और तो क्या, पर मैं डीसी के पास भी खड़ी नहीं हो सकी। मुझे लोगों ने बताया वहाँ भी पे चले जा वहाँ खड़ी हो, पर नहीं हिम्मत हुई, मेरे शरीर नहीं चलता है। तो मुझे राशन से भी काट के दूर भगाया, कांग्रेस पार्टी वाले बैठाए होती तीन, और इस पार्टी ने मुझे पाया। 5 साल में मुझे खाने दिया, 4 महीने मुझे किचन तैयारी किया बैठे, तैयारियाँ पहली बार ये कटी त्रियाँ होती ने। फिर खरा क्या कितिया हरा बताओ, हम खरा बोलियो क्या बोलियो खरा। और हेलो नमस्कार जी, मेरा नाम जो है रजमीर सिंह ठाकुर है, मैं गांव छत से हूँ और छत गोर से, और मैं यहाँ काफ़ी सा, मेरी उम्र जो है वो 65 साल है। मैंने इतना काम कभी नहीं देखा था जितना है, मैं रिटायरमेंट से पहले भी यहाँ आता जाता था, इतने प्रोग्रेस नहीं थी जितनी अब हुई है। हम बहुत खुश हैं और हमारा जो रोड जो है और बड़ा लिंक रोड भी है, साथ में घर के साथ में भी पहुँच गया। पानी की बहुत समस्या थी, कई सालों से हम लोग पानी के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब जो है काफ़ी हमारे मतलब जो प्रधान जी ने और गर्ग जी ने कह के बहुत मदद की, और हम बहुत खुश हैं और बहुत अच्छा लग रहा है कि हम चाहते हैं कि वो दोबारा से मतलब जो है इस इलाके से जीत के आए। कि आप क्यों चाहते हैं कि गर्ग जी फिर से आए? हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी हमारे इस एरिया में काम किया है, और जो भी हमने बोला उन्होंने हमेशा हमारी बात सुनी है, हम जैसा चाहते थे वैसा किया उन्होंने। क्योंकि हमारे यहाँ पर लिंक रोड कोई नहीं था, काफ़ी टाइम से बहुत समस्या थी, वो भी हुआ और पानी की भी काफ़ी समस्या थी, और काफ़ी अच्छा मतलब जो है लगा कि यहाँ पे काफ़ी सुविधा हो रही है। और काफ़ी मैं बाहर ही रहता था दिल्ली से, अब 2-3 साल से मैं यहीं रह रहा हूँ, नहीं तो हम बाहर सेटल होने की कोशिश करते थे, लेकिन अब सोचते हैं कि नहीं यहीं रहेंगे, यहाँ का अच्छा लग रहा है और यहीं रहेंगे।